वो भागवत जो जीवन में व्यक्ति को निर्भयता प्रदान करती है, इस संसार में व्यक्ति को सब मिल जाए लेकिन अगर वो निर्भय नहीं बन पाया तो सब बेकार है। मन में भय ही बना रहा तो उसके जीवन का भला क्या लाभ, और निर्भयता निडरता किसी वस्तु से प्राप्त नहीं होती है बल्कि श्रीमद्भागवत का संग करने से, भागवत के संग में आने से ही एक जीव निर्भय बन सकता है। जैसे अगर हमारी पहचान किसी अच्छे क्षेत्र के राजनेता से हो जाती है तो सिर्फ उसके साथ जान पहचान होने के कारण ही हम अपने आप को थोड़ा निर्भय महसूस करते हैं, सकारात्मक रूप में। वैसे ही जिसके जीवन में श्रीमद् भागवत है वो जानता है श्रीमद् भागवत उसके जीवन में है, इसका अर्थ भगवान उसके जीवन में है, और अगर भगवान मेरे जीवन में है तो फिर मुझे भय की और डर की क्या आवश्यकता है। और ये कथा सुनाई ही उसी समय गई जब एक राजा मृत्यु के डर से डरा हुआ था, राजा परीक्षित, जिसको ये भय था, जिसको ये डर था कि 7 दिन के बाद मेरी मौत आएगी, काल आएगा, और इसीलिए उस राजा ने अपने इन 7 दिनों को बड़े सही से उपयोग किया। जीवन तो हम सबको, किसी को 7 दिन का, किसी को 7 महीने का, किसी को 7 वर्ष का, किसी को 70 वर्ष का, अलग अलग सबको प्राप्त हुआ है। लेकिन अब वो व्यक्ति अपने उस जीवन को किस उद्देश्य से जी पाता है या नहीं जी पाता, ये उसकी जीवन की सार्थकता पर निर्भर करता है।